रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया भर में जो हालात बने हैं उनसे दुनिया भर के निवेशकों के सेंटिमेंट हिल गए हैं। ऐसे में शेयर बाजार में भी काफी समय से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इसके असर से शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों का तो हाल बेहाल है, साथ ही जो कंपनियां आईपीओ लाकर शेयर बाजार में लिस्ट होने की तैयारी कर रही थी उन्होंने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस साल 67 कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी दी है, लेकिन अभी तक केवल 16 कंपनियां ही आईपीओ लाई हैं, जबकि पिछले साल इस समय तक 24 कंपनियां आईपीओ लॉन्च कर चुकी थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग के साथ ही तेल की ऊंची कीमतें, महंगाई, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और अमेरिका में मंदी की आशंका से शेयर बाजार में कमजोर सेंटिमेंट्स हैं। इसके चलते कंपनियां फिलहाल आईपीओ को टाल रही हैं। हालांकि शेयर बाजार में जारी कमजोरी के पीछे ज्यादातर वजह ग्लोबल है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी और महंगाई के लंबे समय तक जारी रहने की आशंका ने कई विकसित देशों में मंदी का खतरा बढ़ा दिया है। ऐसे में इन विदेशी कारणों का असर भारतीय शेयर बाजार में भी भारी उतार चढ़ाव के तौर पर देखने को मिल रहा है। सेंटिमेंट्स के नेगेटिव होने की वजह विदेशी निवेशकों की तरफ से की गई अंधाधुंध बिकवाली है, लेकिन दिलचस्प बात है कि घरेलू निवेशकों ने इस दौरान कोई घबराहट नहीं दिखाई है। उन्होंने ग्लोबल निवेशकों की बिकवाली के उलट खरीदारी में तेजी दिखाई है। इन घरेलू निवेशकों की इस खरीदारी के चलते ही शेयर बाजार औंधे मुंह नहीं लुढ़का है। विदेशी निवेशकों ने इस साल की पहली छमाई में करीब 3 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की है, लेकिन अब माना जा रहा है कि दूसरी छमाई में बाजार को गिराने वाले कई फैक्टर्स का असर अब धीमा पड़ेगा या खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर बाजार के नेगेटिव माहौल में कमी आएगी और शेयर बाजार में स्थिरता देखने को मिल सकती है। अगर ये स्थिरता जारी रहेगी तो फिर आईपीओ मार्केट में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल सकती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।